हेलो नमस्कार अदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय किरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्भागनी हुकुम केम ती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूँ धनु राशि फल मई 2023 के बारे में कि जितने भी हमारे मित्र बंधु सखा दोस्त मुझसे स्नेह प्यार रखने वाले लोग हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि मिश्रा फॉर यू आगे बढ़े, जितने भी लोग है जो मुझे गुरु मानते हैं, उन सभी को राशिफल बताने से पहले मेरा आप सभी को आशीर्वाद। मैं आपको ये आशीर्वाद देता हूं धनु राशि वाले जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु कृपा बजरंगबली की कृपा, आप सब रोग मुक्त हो, आपके रोग का नाश हो, आपका मन प्रसन्न रहे, दो पैसा कम भी अगर कमाओ तो अंदर से शांति प्राप्त हो, यही मेरा आशीर्वाद है। आइए अब चर्चा को आरंभ करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि धनु राशि वालों के लिए मई 2023 का समय आखिर कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा और किस मामले में खराब रहेगा, इसको समझते हैं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ लोग ऐसे भ्रम में पड़ जाते हैं कुंडली को देख करके, उनको लगता है कि ये गोचर कुंडली ही गलत है। वास्तव है जिन लोगों को उतनी जानकारी नहीं है वो समझ सकते हैं क्यों पड़ते हैं भ्रम में। उसका कारण है कि देखते हैं कि दो दो जगह सूर्य लिखा हुआ है, दो दो जगह मंगल लिखा हुआ है, आखिर कुंडली में तो एक ही जगह होता है, ये दो जगह कैसे, ऐसी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देवी और सज्जन, इस भ्रम को मैं अभी दूर किए देता हूँ। सूर्य 14 मई तक कुंडली के पंचम भाव में रहेंगे, 14 मई के बाद कुंडली के छठे भाव में आ जाएंगे। मंगल 10 मई तक कुंडली के सप्तम भाव में, 10 मई के बाद जो है सो कुंडली के अष्टम भाव में आ जाएंगे। इसीलिए हमने एक साथ ही लिख दिया है दोनों भावों में। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा सूर्य से ही शुरू करेंगे। सूर्य क्योंकि उच्च के कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं, नवम भाव का मालिक यानी कि भाग्य का मालिक अगर उच्च का हो जाए तो फिर क्या कहने हैं। जिस व्यक्ति को कहते हैं कि जो अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, जिस व्यक्ति को ऊपर वाला मेहरबान हो जाता है, भाग्य साथ दे देता है, वो एक बेवकूफ से बेवकूफ व्यक्ति क्यों ना हो, अर्श से फर्श पर पहुंच जाता है, जमीन से आसमान में पहुंच जाता है, रंक से राजा बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से आपका भाग्य का मालिक उच्च का हो गया है जो आपके लिए चमत्कारिक रिजल्ट देगा। अब आप कहेंगे कैसे कैसे और कब तक, तो 14 मई तक धनु राशि वालों को सूर्य के कुंडली के पंचम भाव में उच्च के होने के कारण विद्या के क्षेत्र में कमाल करेंगे आप। जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनको बहुत मन लगेगा, खूब बढ़िया प्रदर्शन करेंगे, मजा आएगा पढ़ने में। विद्या और बुद्धि दोनों दो चीज़ें हैं, विद्या अलग है बुद्धि अलग है, लेकिन आप दोनों का बखूबी इस्तेमाल कर पाएंगे, दोनों का बेहतर इस्तेमाल करके अच्छा लाभ ले पाएंगे। देवी और सज्जनों, संतान से जो लोग सुख की चाह रख रहे हैं उन धनु राशि वाले जातक को संतान से भी सुख प्राप्ति का योग है। संतान से आपकी अच्छे संबंध 14 मई तक सूर्य बना करके रखने का प्रयास करेगा। संतान के साथ जो है सो आपके संबंध और बेहतर होते चले जाएंगे। देवी और सज्जनों, आपकी संतान आपके आज्ञा का पालन करेंगे, ये छोटी बात नहीं है। ये जो पंचम भाव है ये आपके इष्ट का भी होता है। अब आप सोचेंगे धनु राशि वाले, बहुत सारे लोग, हर राशि के लोग प्रश्न करते हैं गुरुदेव हमारे इष्ट कौन से हैं, तो आप देखो कि पंचम भाव के मालिक मंगल हैं, मेष है, एक है ना मंगल, आपके इष्ट देव इष्ट ग्रह जो है सो मंगल देवता है। आप हमेशा मंगल देवता की पूजा करें, इष्ट देव की कृपा, आप इष्ट उन्हीं को माने मंगल देव को, आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि आपके इष्ट देव मंगल देवता ही हैं।
इस समय में सबसे कमाल की बात कि आपके इष्ट की कृपा आप पर में बनी रहेगी। आपका इष्ट जो है 15 मई तक आपको बहुत ध्यान देगा। खुद आपका इष्ट जब अष्टम भाव में चला आएगा उसके बाद कुछ परेशान कर सकता है, लेकिन उससे पहले आपको बहुत बेनिफिट, बहुत लाभ देगा। ये पंचम भाव आपके मंत्र का होता है, आपके साधना का होता है। इस समय में जो लोग मंत्र की अभ्यास करते होंगे उनको मंत्र का अभ्यास अच्छे से होगा। साधना में एक ऊंचे लेवल पर में पहुंचेंगे आप। प्रेम प्रसंग के मामले में भी ये समय बढ़िया रहेगा। प्रेम आपका अच्छा चलेगा। किसी के साथ लव अफेयर चल रहा है तो बढ़िया चलेगा। किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो वो भी इस समय में अच्छा चलेगा। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, प्रतियोगी परीक्षा देने दे रहे थे अथवा दे चुके हैं और उनका रिजल्ट अगर इस समय में आने वाला है 14 मई तक, तो प्रभु कृपा ये समझिए कि बात बनी हुई है, फाइनल ही है। देवी और सज्जनों, ये जो पांचवा भाव है आपके प्रबंधन का होता है, शेयर मार्केट का होता है, कला का होता है, पेट का होता है। आपका मैनेजमेंट भी इस समय में बहुत अच्छा बना रहेगा, बहुत अच्छा प्रबंधन करेंगे आप। शेयर मार्केट से भी धनु राशि वालों को कुछ लाभ की संभावना दिखाई दे रही है। आप अपने कला का प्रदर्शन करके लोगों को सम्मोहित कर सकते हैं। और पेट से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की परेशानी अगर आपको है, क्या पेट से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की परेशानी आपको है, तो आपको उसमें भी राहत देखने को मिलेगी। आपके यश में वृद्धि होगी, आपके चाहने वालों की संख्या को भी बढ़ाएगा, आपके धर्म कर्म मंगल कार्य भी आपसे करवाएगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि सूर्य की पड़ेगी एकादश भाव पर में। देवी और सज्जनों, एकादश भाव जो है सो आपकी आमदनी का होता है, धन की प्राप्ति का होता है। इसलिए इस समय में आपकी आमदनी में भी सूर्यदेव 14 मई तक खूब वृद्धि करने का प्रयास करेंगे, धन की प्राप्ति भी करवाने की कोशिश करेंगे। टांग का, पांव का निचला भाग भी होता है, उसमें भी अगर किसी प्रकार की परेशानी है, दर्द वगैरह है, तो उसमें राहत देखने को मिलेगी। बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से अगर किसी प्रकार का लाभ लेना चाहते हैं तो वहाँ से भी आपको फायदा मिलेगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है तो 14 मई तक भगवान सूर्य नारायण कृपा से आपकी इच्छा की भी पूर्ति होगी। जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं उनको पुत्रवधू दामाद का सुख भी प्राप्त होगा। हर मामले में समय बड़ा चमत्कारिक रहने वाला है ये। देवी और सज्जनों, सूर्य 14 मई के बाद कुंडली के छठे भाव में आ जाएंगे। अक्सर छठे भाव में आया हुआ ग्रह विपरीत रिजल्ट देता है, लेकिन सूर्य की ऐसी आदत नहीं, छठे भाव में घुस करके अच्छा रिजल्ट देगा। आप कहेंगे क्या देगा, तो उसको श्रवण कीजिए। छठे भाव में अनेक कारण महर्षि कहते हैं देवी और सज्जनों कि आपके कार्य की सिद्धि होगी। 14 मई के बाद भी आपका काम धंधा बढ़िया चलेगा, आपको सुख के प्राप्ति का योग बनेगा। सूर्य यहाँ पर में आ गया, आपके लिए महर्षि कहते हैं कि आपको अन्न की प्राप्ति होगी, वस्त्र की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। हर मामले में धनु राशि वालों के लिए समय बेहतरीन सूर्य बनाने का प्रयास करेगा। दुश्मन आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। इस समय में अगर दुश्मन आपसे टकराने की कोशिश करता है तो शत्रु का नाश होगा और शत्रु पर में विजय आप हासिल करेंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इतना ही नहीं, इस समय में हेल्थ वाइज इशू में भी राहत होगा, रोग के नाश होंगे, राज्याधिकारियों से आपको लाभ मिलेगा। आपके जो राज्याधिकारी हैं, आपके जो सीनियर अधिकारी हैं, आपके जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, उन सब से भी आपको लाभ मिलेगा। निज प्रताप में वृद्धि होगी, शोक मोह आदि भावों का नाश होगा। मन और शरीर दोनों ही स्वस्थ रहेंगे, बहुत मजा आएगा। तो सूर्य के कारण पूरा महीना जो है आपके लिए अच्छा रहने वाला है। देवी और सज्जनों, सूर्य के कारण जो है आपको कहीं से कोई परेशानी होती हुई स्थिति उत्पन्न नहीं हो रही है। सूर्य के बाद मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल आपके कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र के साथ युति बना के बैठे हुए हैं, फिर अष्टम भाव में चले जाएंगे। और मंगल का कुंडली के सप्तम भाव में बैठना भी बड़ा सुखद परिणाम देगा, क्योंकि पंचम भाव का मालिक सप्तम भाव में, द्वादश भाव का मालिक सप्तम भाव में कब तक? 10 मई तक। 10 मई तक मंगल का सप्तम भाव में बैठना यह दर्शाता है कि जीवन साथी का सुख मिलेगा आपको जीवन संगनी,
आपके पति, आपके पत्नी आपकी बातों को 10 मई तक तवज्जो देंगे, आपकी बातों को सुनेंगे। एक जीवन साथी को सुख तभी मिलता है, एक पति अगर उसका उसकी बातों को सुनता है, एक पत्नी अगर उसके बातों को सुनती है, मानती है, तभी जाकर के दोनों को सेटिस्फैक्शन होता है कि चलो ठीक है। नहीं तो हमने कईयों को देखा है, हमने हजारों कुंडली ऐसी देखी है कि विवाह के बाद लोगों की ज़िंदगी नरक हो जाती है। वो सोचता है कि पहले मैं कितना खुश था। हर व्यक्ति विवाह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ करता है। बहुत लोग अपने जीवन की बहुत सारी पूंजी अपने विवाह में खर्च कर देते हैं, अपने बच्चों के विवाह में खर्च कर देते हैं, और जब वो विवाह सफल नहीं होता है, जब उस विवाह में परेशानी आने लगती है, टेंशन तनाव लड़ाई झगड़ा केस मुकदमा चलना शुरू हो जाता है, तब उस व्यक्ति की आत्मा अंदर से रो देती है, आत्मा अंदर से जो है टुकड़ा टुकड़ा दिल हो जाता है। ऐसा लगता है कि कमल के फूल को तोड़ करके पार्ट करके फेंक दिया गया अलग अलग। ये दिल जो है अंदर से आहें भरने लगती है, मन रोने लगता है, आत्मा तक झकझोर के रख देता है। हर व्यक्ति दुनिया से लड़ने में सक्षम है, हर व्यक्ति किसी से भी लड़ने में सक्षम है, लेकिन जब वो पारिवारिक स्थिति की बात आती है, उसका मन अंदर से आत्मा जो है झकझोर देता है उसको। ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग जो कमज़ोर हृदय के होते हैं, सोच पाने में कुछ सक्षम नहीं होते और आत्महत्या तक करने का निर्णय ले लेते हैं। इसलिए प्रयास करें कि अपने जीवन साथी की बातों को तवज्जो दें, अपनी जीवन साथी की बातों को सुने, क्योंकि वही है एक जो आपको अगर सच्चे दिल से प्यार करना शुरू कर देता है, आपके लिए अपना जान तक न्यौछावर कर सकता है, चाहे वो पति हो या पत्नी। पति को चाहिए कि पत्नी के बातों को सम्मान दे, पत्नी की बातों को सुने, और पत्नी को चाहिए कि पति जो कहे उनके आज्ञा का पालन करे। पति के सामने किसी दूसरे को उनसे ज़्यादा अहमियत ना दें, यही धर्म है। बस ये दो नियम अगर आपने फॉलो कर लिए तो वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। देवी और सज्जन, मंगल के सप्तम भाव में बैठने के कारण जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम और वासना की पूर्ति भी होगी, वैवाहिक जीवन आपका बड़ा ही सुखद और सुंदर रहेगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में भी आप कमाल करेंगे। प्राइवेट पार्ट से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी है धनु राशि वालों, तो 10 मई तक वो भी राह देगा। और प्रत्यक्ष शत्रु यानी कि दुश्मन अगर कोई आपके साथ टकराना चाहता है, तो 10 मई तक जो प्रत्यक्ष शत्रु है वो आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, भले ही टकरा जाए आपसे। पार्टनरशिप में किसी के साथ अगर कोई काम कर रहे हैं वो भी ठीक ठाक चलेगा। चौथी दृष्टि दशम भाव पर में है। पिता से लाभ, काम धंधा का बढ़िया चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि के योग बनेंगे, अधिकार की प्राप्ति होगी। सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में है। शारीरिक तौर पर में मजबूती, रंग रूप अच्छा दिखेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, शरीर में बल का एहसास होगा, मेंटली तौर पर में मजबूती हासिल करेंगे, विवेक का सहारा मिलेगा, सेल स्वभाव बढ़िया रहेगा, गौरव करने लायक काम करेंगे, विनम्रता बनी तो रहेगी लेकिन कुछ कमी होगी विनम्रता में। अष्टम दृष्टि दूसरे भाव पर में है, वो भी उच्च की है। धन धान्य संपत्ति जमा करने में मंगल सपोर्ट करेगा, परिवार के लोगों से लाभ दिलवाएगा, वाणी को अच्छा रखने की कोशिश करेगा, सत्य बोलेंगे, दान पुण्य करेंगे, पड़ोसी से भी लाभ दिलवाने का प्रयास करेगा। तो मंगल का हर मामले में यहाँ बैठना आपके लिए 10 मई तक सुखद है, लेकिन 10 मई के बाद जब ये मंगल कुंडली के अष्टम भाव में आ जाएगा, 10 मई के बाद जब ये मंगल कुंडली के अष्टम भाव में आ जाएगा देवी और सज्जनों, तो आपके लिए ये कुछ अच्छा संकेत नहीं है। अष्टम भाव में आने के कारण आपके साथ 10 मई के बाद आपके ऊपर में दुर्घटना एक्सीडेंट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हो सकता है मई के महीने में 10 मई के बाद आपका दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कहीं चोट वगैरह लग जाए। आपका ज़्यादातर देखेंगे कि काम बनते बनते मंगल बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है। आप देखेंगे कि अचानक से कुछ धन हानि भी हो गई। जिस व्यक्ति को बवासीर पाइल्स की समस्या है उसको जो है सो कुछ इस समय में मंगल ज़्यादा परेशान करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि वहीं बैठा हुआ है। आप अनुभव करेंगे, देखेंगे
कि यहाँ से चौथी दृष्टि एकादश भाव पे पड़ रही है, जहाँ पर मैं आमदनी में वृद्धि होने के लिए दूसरे ग्रह जोर लगा रहे हैं, मंगल का प्रयास रहेगा कुछ कम कर दे। इसीलिए तो होता है कि सूर्य चाहता है कि आपको अपार धन दौलत मिले, और दूसरा ग्रह वहाँ पर मैं आ जाता है वो चाहता है कि नहीं उसमें रुकावट उत्पन्न कर दे, कम कर दे। तो क्या होता है कि सूर्य जहाँ पर मैं 10 रुपया देना चाह रहा था, इतना घिंचातानी होना शुरू हो जाता है, इतना खींच और तान, इतनी रुकावट बाधाएँ आती हैं कि आपको 5 रुपया में ही 2 रुपया में ही संतोष करना पड़ जाता है। निर्विरोध जब ग्रह कोई भी व्यक्ति जैसे कि मोदी जी आज निर्विरोध, यानी कि इतने सीट से आ गए संसद में कि किसी भी निर्णय को लेने में सक्षम है, तो वो कोई भी निर्णय ले लेते। यही अगर जोर तोर की सरकार रहती, 10 सीट उसका, 20 सीट उसका, 50 सीट उसका, 2-4 लोग मिलकर के सरकार बनाते, तो ये निर्णय नहीं ले पाते मोदी जी। तो वही बात है, ग्रह अगर कोई निर्विरोध है जहाँ पर उसका कोई विरोध करने वाला नहीं है, तब वो ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन जब उसमें वास्ते में रुकावट आ जाती है, उसके ऊपर जब परेशानी आ जाती है, तो वो रिजल्ट पूरा नहीं दे पाता। मंगल की वही बात है, आय में कमी, लाभ में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, मनोकामनाओं की पूर्ति में कमी, बड़े भाई बहन सीनियर से भी लाभ कम दिलवाएगा। सप्तम दृष्टि जो है सो द्वितीय भाव पर में वैसे उच्च की दृष्टि है, तो ये प्रयास करेगा कि जो जमा पूंजी है उसको बचा करके आप रख पाएं। बोलने के कारण आप कुछ परेशानी में पड़ सकते हैं, तो आप क्या बोलते हैं इस बात का विशेष ध्यान रखें कि क्या बोल रहे हैं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वाणी पर में विशेष ध्यान दें, क्योंकि वाणी आपकी कड़वी होगी और जिसके कारण से कार्य में रुकावट बाधा आएंगे, ये तय है। तो बोलने पर कंट्रोल कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पड़ोसी और परिवार दोनों के लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अष्टम दृष्टि एकादश राशि तीसरे भाव पर में, जिसके कारण से छोटे भाई बहन जूनियर से लाभ प्रयास करेगा कि आपको कम मिले, गुप्त शत्रु परेशान करे, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी कुछ परेशान करे, ऐसा प्रयास मंगल का हो सकता है 10 मई के बाद। तो संभव हो तो 10 मई के बाद मंगल के लिए ओम मंग मंगलाय नमः मंत्र का एक माला मंगलवार के दिन जरूर जाप करें, नहीं संभव हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, बुध आपके कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ है, और पंचम भाव में बैठा हुआ बुध क्या, पंचम भाव में बैठा हुआ बुध आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि ये मालिक है सप्तम भाव का और दशम भाव का। दशम भाव और सप्तम भाव के मालिक को पंचम भाव में बैठा दिया, स्वाभाविक है कि बढ़िया रिजल्ट देगा। क्या बढ़िया रिजल्ट देगा, तो ये क्या करेगा कि इस समय में आपको पिता से, पैतृक संपत्ति से अचानक से कुछ धन लाभ करवा सकता है। आपको पिता और पैतृक संपत्ति के कारण, आपके खुद के काम धंधे के कारण चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती है। आप अपने काम में जब अपने संतान का मदद लेंगे, अपने संतान का राय विचार लेंगे, तो वो आपके लिए जो है सो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे पाएगा, वो आपके लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा, उसमें आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। सरकारी अधिकारी से भी आपको इस समय में फायदा मिलने की संभावना है। प्रेम प्रसंग के मामले में और आपके काम के मामले में दोनों को टकराने ना दें, दोनों को साथ पैरेलल चलाने की कोशिश करें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। संतान और जीवन साथी दोनों से राय विचार लेकर के चलेंगे तो और बढ़िया रहेगा, क्योंकि सप्तम भाव का मालिक भी पंचम भाव में आ गया, तो आपको अचानक से ज़्यादा लाभ मिलेगा। धर्म कर्म का भी पालन कर पाएंगे। बुध का रिजल्ट हर मामले में आपके लिए देवी और सज्जनों बढ़िया है। बुध के बाद गुरु की चर्चा करेंगे। गुरु अगर आपकी कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं, पंचम भाव में बैठा हुआ गुरु बड़ा सुखद रिजल्ट देता है। देवी और सज्जनों, पंचम भाव में गुरु है और पूरे महीने पंचम भाव में ही रहेंगे। देवी और सज्जनों, आपके लिए बता दूं कि सुख और आनंद दोनों में वृद्धि के योग बनाएगा गुरु। क्या, सुख में भी वृद्धि करवाएगा, आनंद की भी प्राप्ति करवाएगा गुरु। महर्षि कहते हैं कि हर कार्य में सफलता दिलाएगा गुरु, पद की प्राप्ति भी होगी, व्यवसाय में उन्नति भी करवाएगा गुरु। कहते हैं कि कोई चिरस्थाई लाभ भी दिलवाएगा गुरु, घर में मांगलिक उत्सव भी हो सकता है, संतान से संबंधित कुछ खुशखबरी मिल सकती है, तर्क शक्ति सूझबूझ से आप अपनी कार्य को सफल करवाएंगे। देवी और सज्जनों, सट्टे, जुआ, लॉटरी, इन सब से भी कुछ लाभ मिलने के योग हैं
लेकिन अपनी बुद्धि विवेक का सहारा लेकर के ऐसे चीज़ों में काम करें। सद्गुण, आपके जो अच्छे गुण हैं, आपके जो अच्छे विचार हैं, उसमें भी वृद्धि करवाएगा गुरु। हर मामले में गुरु का रिजल्ट बड़ा सुखद है। बात करेंगे शुक्र की। शुक्र कुंडली के सप्तम भाव में है। सप्तम भाव में बैठा हुआ शुक्र जीवन साथी का खूब सपोर्ट दिलवाएगा, जीवन साथी के साथ संबंध को बड़ा बढ़िया बना के चलेगा। शुक्र और मंगल की युति है 10 मई तक। काम वासना की अधिकता बना करके रखेगा, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको बता दूँ क्योंकि शुक्र छठे भाव का मालिक है और एकादश भाव का भी मालिक है, अर्थात आपके जीवन साथी को आपका दुश्मन जो है परेशान करने का प्रयास कर सकता है। आपके जीवन साथी को कुछ हेल्थ वाइज इशू का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन शुक्र है तो लाभ भी देगा, उपलब्धि की प्राप्ति भी करवाएगा, मनोकामनाओं की पूर्ति भी करवाएगा। तो शुक्र के लिए संभव हो तो शुक्रवार के दिन दैनिक रूप से जो है सो थोड़ा सा जाप कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शनि कुंडली के तीसरे भाव में कुंभ राशि में बैठा हुआ है, ये क्या करेगा? तीसरे भाव में बैठा हुआ शनि आपको कुंभ राशि में आरोग्य प्रदान करेगा, हेल्थ वाइज बड़ा मजबूती देगा आपको देवी और सज्जनों। पराक्रम में वृद्धि करेगा, सुख में भी वृद्धि करेगा आपको। महर्षि का कहना है कि हर कार्य में सफलता मिलने के साथ साथ धन और नौकरी मिलने की भी संभावना दिखाई दे रही है देवी और सज्जनों। इस समय में आप थोड़े से डर सकते हैं, लेकिन डर के साथ साथ भी शत्रु पर विजय आप ही को मिलेगी। शत्रु आपको धीर वीर ही समझेंगे और पशुधन के प्राप्ति का भी कुछ योग आपके लिए बन रहा है। जमीन जायदाद खरीद भी सकते हैं, जमीन जायदाद से संबंधित कोई डिसीजन ले सकते हैं, ये उपयुक्त समय है। अर्थात धनु राशि वालों के लिए शनि हर मामले में बढ़िया रिजल्ट देने वाला है। बात करेंगे राहु की। राहु कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ है। पंचम भाव में यहाँ पे बैठा हुआ मेष राशि का राहु क्या करेगा? कुछ मामले में अच्छा तो कुछ मामले में बुरा रिजल्ट भी देगा। आप कहेंगे क्या अच्छा देगा? तो पंचम भाव में बैठा हुआ राहु धन और ऐश्वर्य में अचानक वृद्धि कर देगा। अचानक से पैसे में वृद्धि हो जाएगी, अचानक से पैसा ज़्यादा आ जाएगा। सट्टा से कुछ आपको लाभ मिल सकता है। भाग्य तथा आय दोनों में वृद्धि हो सकती है। और एक चीज़ है गड़बड़ी कि मानसिक स्थिति मेंटली व्यथा, मेंटली तौर पर में आपको ये जरूर परेशान कर सकता है, तो उस मामले में थोड़ा सा सावधान रहें। बात करेंगे केतु की। केतु कुंडली के एकादश भाव में है, तो एकादश भाव में बैठा हुआ केतु लाभ ही लाभ देगा। एकादश भाव में बैठा हुआ केतु खूब लाभ देगा, बढ़िया से बढ़िया लाभ मिलेगा। अकस्मात और सरलता से धन की प्राप्ति होगी। मित्रों से, सट्टों से, जुआ से, आईपीएल से, इन सब से कहीं कुछ लाभ मिलने की भी संभावना है, लेकिन इन सब के मामले में खुद का बुद्धि विवेक का सहारा लें। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि इसमें पैसे लगाओ और जीत ही जाओगे। ऐसे योग हैं जो कि सामान्य राशि फल के तहत दिखाई दे रहा है देवी और सज्जनों। तो यही थी धनु राशि फल मई 2023, जो बहुत ही संक्षिप्त में 20-25 मिनट के अंदर में हमने आपको बताने की सारी बातें कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद। वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।